हेलो दोस्तों, जैसे कि आज प्लान था मालदीव जाने का, तो अभी तो 8 बज रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ से जॉलीग्रांट जा रहा हूँ। जॉलीग्रांट पहुँच के देखते हैं कि कैसे जाते हैं, कैसे क्या होता है। तो अभी हम जा रहे हैं मालदीव तक ले, तो फिर मिलते हैं रास्ते में, कुछ ट्रिक्स दिखाते हैं मालदीव तक की जाते हुए। ये है थानोरो, नज़ारा तो आपको तो दिख ही रहा है कि कितना सुंदर है नज़ारा। बाकी ये दोनों भी हमारे साथी हैं जो आगे चल रहे हैं, ये भी हमारे साथी हैं। बाकी ये भी हमें रायपुर जाएंगे तो वहाँ से हम एक और को पिक करेंगे, उसके बाद हम मालदीव तक जाएंगे। तो पूरे रास्ते का व्लॉग आपको दिखेगा और बताना कैसा लग रहा है, ठीक है? लाइक कमेंट करके बताना, कुछ सजेशन भी, सजेशन होंगे तो सजेशन भी देना, गालियाँ होंगी तो गालियाँ भी दे देना, चलेगा सब। रायपुर पहुंचने वाला है, रायपुर में हमें एक और दोस्त मिलेगा जैसे मैंने बताया था। अभी तो अभी मालदीव तक जाते समय स्कूल आता है, हम यहाँ पर रुके हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। मेरे साथ वाले भी रुके हैं, ये हैं मेरे साथ वाले। हाय गाइस, तो अभी बस एक बार वेट कर रहे हैं, फिर हम जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। सुंदर नज़ारा तो है, ये नया टेम्परेरी रास्ता बना रखा है जो फुल ग्रस्त हो गया था बारिश में। चलिए अभी हम पहली बार ही हमारा इस रास्ते पे, देखते हैं काम हो जाएगा ये रास्ता हमको। और यार ये तो भाई थंबनेल ही बन जाएगा, देखते हैं ये रास्ता काम हो जाएगा हमको, है ना दोस्तों? तो ये मालदीव का रास्ता है सीधा सीधा एकदम, ये वही आश्रोदर वो कृष्णा है, ये दोनों आगे जो सकाल की अभी, और पीछे आ रहे हैं हनी और दुर्गा। हनी की शादी है 19 दिन बाद, 19 डे लेफ्ट फॉर वेडिंग शेनानिगंस। स्कूटी चलाती है भगा, दोस्तों चलाती नहीं है, भगाती है स्कूटी। यार ये जो लिखी ना, ये पीले शटर में ये बिल्कुल भी चुप नहीं होती रास्ते पर। अभी देखो अभी बैठी थी, अभी शाम थी, अब जब से आगे से कोई है ना तो ये बोलने के लिए मिल गया कोई, अब उसमें ही घुसी पड़ी है, बोलती रहेगी पूरे रास्ते भर ही बोलती रहेगी। ये क्लास में भी ऐसी करती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती ही रहती है, रुकती ही नहीं कभी। देखो मैं अभी शक्ल दिखाता हूँ उसको आपको, दुर्गा देखो ये है वो लड़की जो ये बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, कभी रुकती ही नहीं है बोलते हुए। ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, तो जाना है यार हमें। देखो है कुछ भी नहीं यार यहाँ पर, बहुत है ना। देखो ये गिरते पड़ते भी रहते हैं यहाँ पर, देखो हमारे साथ के लकड़ियाँ लेते हुए, क्योंकि मैगी तो उसी में बनेगी। बाकी है कुछ नहीं दोस्तों यहाँ पर, बेकार है एकदम। ये झरना देखने आया था, झरने के नाम पे ये दिख रहा है, देखो ये है झरना। अब नहीं आऊंगा भाई मैं यहाँ, बर्बाद हो गया हूँ मैं तो यहाँ के। भाई कैसी लकड़ियाँ लाए हो, टूटी नहीं रही है। धुल के लेके आई हूँ, ये भी ये बारीक कर दिया और ऐसे ऐसे कटेगा, ठीक है।
तैयारी तो हो चुकी थी, मैगी हमारी आ चुकी थी। सबसे जरूरी चीज जो हम भूल गए हैं, हम तो नहीं भूले हैं, मतलब ये शादी 19 दिन बाद ये लड़की हनी ये भूल गई है चाकू। तो अब ये हमारा देसी जुगाड़ है, इससे हम काट रहे हैं, पत्थर से ही हम प्याज काट रहे हैं। और ये टेक्निकल इंसान है, ये हाथ से प्याज काट रहे हैं। और ये हमारे प्याज और मिर्च डल चुके हैं। लग रही है देखने से, आपको देखने से ही स्वाद लग रही होगी। और ये हमारी चाय है, चाय तो मैंने पी ली है, बहुत ज्यादा स्वाद है। और जो बना रहा है वीडियो उसी ने बनाई है, हनी ने। वाह, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हमारा ये पूरा हो गया है सब खत्म। मैगी मुझे हमने बनाई थी यहाँ पर, मैगी खाली है सब। और सबसे जरूरी बात, ये कचरा जरूर यहाँ पर फेंके, जो ये कचरा है कचरा अपने पास जाए सारा। और जहाँ पर भी आग लगाते हो, जैसे हमने यहाँ पर आग लगाई थी, ये हमने बुझा दी है। तो जहाँ पर भी आग लगाओ, चूल्हा जलाओ वहाँ पर, जब जा रहे हो तो आग बुझा दो। तो बस फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, वापस से मालदेवता से ऋषिकेश आ रहे हैं। रास्ते में मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे। हम अभी घर जा रहे थे, तो जाते जाते हमें भूख लग गई, तो हम आए हैं दुकान में जो है रतन स्वीट शॉप, स्वीट कॉर्नर या स्वीट शॉप है। और हम खा रहे हैं यहाँ पर, इसमें तो वो फ्रंट नहीं खुल रहा है। देखो फ्लिप भी होता है, चलते चलते। गाइस अब हमारी ट्रिप एंड हो चुकी है, फाइनली हम अब घर में आ चुके हैं। और अभी हम चाय पी रहे हैं, तो थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो बस और कुछ किसी को हाय हेलो बाय बाय करना है, तो ये सब थे हमारे साथ। ये शाकल चाय पी रही है, वो टेक्निकल गाय है। और ये गई थी हनी, नहीं ये प्रिया है, और वो सामने हनी है। बाकी ये दोनों भी हैं, ये पर ये घर में थे, ये जा नहीं पाई, ये पढ़ाई कर रहे थे। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो होगा हमारा वैष्णो देवी का। ओके बाय।